हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप गाइस? आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम एक कंप्यूटर से या एक लैपटॉप से, यानी कि एक मोबाइल और कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, आपस में दोनों को कनेक्ट करके और फाइल का जो डेटा होता है वो कैसे शेयर करते हैं। ठीक है, तो गाइस बने रहे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक मोबाइल और पीसी में दोनों में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जिसका नाम है शेयर इट। शेयर इट फॉर एंड्रॉयड आप एंड्रॉयड में डालें, इंस्टॉल करें, और शेयर इट फॉर पीसी जो कि एक पीसी के लिए अलग से सॉफ्टवेयर रहता है, उसे दोनों में इंस्टॉल कर लें पीसी और फ़ोन में। ठीक है, और आप गाइज आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ओपन करने के बाद मोबाइल में शेयर इट एप्लीकेशन को, और वैसे ही आपको पीसी में भी इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे ये देखो मैंने ओपन किया है इसको शेयर इट एप्लीकेशन को, और आप ये देखो फ़ोन से तो ये सर्च हो रहा है। ठीक है, और अभी गाइज देखो फ़ोन में देखो आपको ये ऊपर चार डब्बे से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखो कनेक्ट पीसी पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद ये दोनों देखिए अपश्री में दोनों ये सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखो मोबाइल ने सर्च कर लिया अजय, और अजय पीसी पर हम क्लिक करते हैं। ये देखो क्लिक करने के बाद ये देखो गाइज ये अभी मैंने क्लिक किया और अभी ये देखो जुड़ गया, और वहाँ पर पीसी में पूछ रहा है कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, और लैपटॉप में जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये देखो ये एक्सेप्ट करने के बाद ये दोनों ऑप्शन में जुड़ जाते हैं। ये देखो आपस में दोनों ये जुड़ गए हैं। अब हम पीसी में भी कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल इसमें छोड़ सकते हैं, जो कि हमारे सीधे मोबाइल में आ जाएगी। ठीक है, और अब मोबाइल से भी उसमें कोई फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पीसी में दिखाऊंगा आपको फाइल ट्रांसफ़र, मोबाइल में फाइल ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। जैसे एमीवे का सॉन्ग ले लेता हूँ मैं, ये सेक्चुरी वाला ले लेता हूँ, रफ्तार का सॉन्ग है। और यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप किया, ये देखो यहाँ पर ड्रॉप करने के बाद जैसे ये ड्रॉप करते हैं ये देखो मोबाइल में ये देखो फास्ट, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है देखो। तो गाइज इस प्रकार से आप चाहे कितनी भी बड़ी फाइल को हो वो उसको आप मोबाइल से या लैपटॉप से एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, और काफ़ी जो आसानी का काम है, और दोनों सॉफ्टवेयरों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इस प्रकार से ये काम करती है एप्लीकेशन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और आप क्या देखना चाहते हो, मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा गाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।